नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल UPSLR एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बिल्कुल ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर से आ गया हूँ। तो चलिए पहले हम लेटर को पढ़ लेते हैं। 14 का लेटेस्ट है, बिल्कुल अभी मिला है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो ये कहा गया है, मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों नामांकित छात्रों का विवरण अध्यावधिक किए जाने के संबंध में है। मानव संपदा की बात हो रही भैया, मानव संपदा पोर्टल पर विद्यालयों नामांकित छात्रों का विवरण की बात की गई। तो चलिए पूरा लेटर पढ़ते हैं, फिर कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। मेन बात पे आते हैं, जिसके द्वारा मानव संपदा पोर्टल बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कंपोजिट विद्यालय संबंधित विवरण दिनांक 12/6/2022 तक अत्यावधिक किए जाने के संबंध निर्देश दिए गए थे तथा दिनांक 30/4/2022 को विद्यालय में पंजीकृत छात्र संख्या के आधार पर छात्रों को अध्यावधिक किए जाने के निर्देश दिए गए थे। ठीक, आगे चलते हैं। क्या है मानव संपदा पोर्टल पर अतन जनपदों द्वारा छात्र का नामांकन को अध्यावधिक नहीं किया गया, उस क्रम में जिन विद्यालयों में अतन छात्र नामांकन संख्या को अध्यावधिक नहीं किया गया है, एक्सेल फाइल विकास खंडवार विद्यालयवार संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि मानव संपदा पोर्टल पर 30/4/2022 की छात्र संख्या के आधार पर छात्र नामांकन विवरण अद्यतित किए जाने की कार्रवाई अनिवार्य रूप से दिनांक 17/6/2022 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त अन्य किसी विद्यालय के छात्र नामांकन संख्या को अद्यतित नहीं किया गया है तो उन विद्यालयों को भी छात्र विवरण निर्धारित तिथि पर अद्यतित किया जाए उक्त संलग्न के आधार पर। तो छात्र संख्या मांगी गई है मानव संपदा पोर्टल पर, और मानव संपदा पोर्टल पर छात्र संख्या मानना जाना प्रेरणा पोर्टल पर जाना था, लेकिन हो सकता है ये हम ज़्यादा कुछ नहीं है, संभावना है कि ये छात्र संख्या और शिक्षकों का अनुपात जो है डिसाइड कर दिया जाएगा, जिससे कि आइडिया हो जाएगा कि विद्यालय में छात्र की संख्या के आधार पर कितने मतलब टीचर हैं और कितने टीचर होने चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि ज़िले में कितने टीचर हैं, बच्चों के अनुपात है कि नहीं है, और स्कूल का भी पता चल जाएगा छात्र के हिसाब से है कि नहीं है। तो इससे ये चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, इसीलिए शायद संभावना है, मैं पक्का नहीं कह रहा हूँ, ये ट्रांसफ़र को लेके ये मांगा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, जो भी होगा आने वाले समय में आपको पता चलेगा। फिलहाल मानव संपदा पोर्टल पर ये संख्या नामांकित संख्या दिखानी है, और अप्रैल की 30 अप्रैल को आधार पर किए जाने के निर्देश दिए गए थे, वही अभी भी दिया गया है। ये देखिए लिखा हुआ है, विवरण अद्यतित किए जाने के अनिवार्य रूप से 17 तक पूर्ण करना है, 30/4/2022 की छात्र संख्या के आधार पर करना है भैया। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और, तब तक बने रहिए, नमस्कार।